नमस्कार मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। बृहस्पति देव 13 साल ब्रह्मांड में भ्रमण करने के पश्चात 5 नवंबर को वापस अपने धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि में उनकी यह गोचरीय स्थिति 5 नवंबर 2019 से लेकर 20 नवंबर 2020 तक रहेगी। दोस्तों देखते हैं बृहस्पति देव की यह गोचरीय स्थिति मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए कैसी रहेगी। मकर राशि के लिए बृहस्पति देव तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। 5 नवंबर को उनकी गोचरीय स्थिति मकर राशि के द्वादश भाव में बनेगी, तो आपके लिए मिश्रित फल युक्त रहेगी। आय और व्यय दोनों में वृद्धि के योग बनेंगे। द्वादश भाव व्यय से भी संबंधित होता है, जो आपको व्यर्थ के व्यय की अधिकता के कारण परेशानी में डाल सकता है। व्यय की अधिकता के बावजूद भी आप दान पुण्य जैसे कर्मों से पीछे नहीं हटोगे। आपकी प्रवृत्ति कुछ धार्मिक रहेगी। बृहस्पति देव की इस गोचरीय स्थिति के फलस्वरूप आप आंखें मूंद कर किसी पर विश्वास ना करें। अपने विश्वास पात्रों से भी धोखा मिल सकता है। झूठे आरोप तक लग सकते हैं, जो मान हानि तक का कारण बन सकते हैं। अपने पड़ोसियों से सावधानी पूर्वक रहें। अपने आत्मविश्वास में कमी ना करें, उसे उच्च का बनाए रखें। दोस्तों बात करें बृहस्पति देव की दृष्टियों की, तो द्वादश भाव में स्थित होकर बृहस्पति देव की दृष्टि चतुर्थ, छठे और द्वादश भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव पर पड़ रही दृष्टि के फलस्वरूप आपको या आपकी संतान को निवास स्थान से कहीं दूर जाना पड़ सकता है। घर की रेनोवेशन या मरम्मत के लिए भी व्यय के योग बनेंगे। कोर्ट कचहरी में जमीन जायदाद संबंधी अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें दौड़ भाग के साथ सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वाहन सुख प्राप्त होगा। दोस्तों बृहस्पति देव की छठे भाव पर पड़ रही दृष्टि के फलस्वरूप आपके रोग, ऋण और शत्रुओं में कमी होगी। शत्रुओं के ऊपर आपका प्रभाव बढ़ेगा और वो आपके साथ तालमेल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फंसे हुए या रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको अपने मातृपक्ष की तरफ से भी लाभ के योग बनेंगे, जैसे मामा जी के द्वारा। दोस्तों बृहस्पति देव की अष्टम भाव पर पड़ रही दृष्टि के फलस्वरूप अचानक धन लाभ होने की संभावना बनेगी। ये लाभ पैतृक संपत्ति, कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस वगैरह से संबंधित भी हो सकता है। गूढ़ विद्या और ज्योतिष जैसे विषयों में रुचि बढ़ेगी। दोस्तों बृहस्पति देव की इस गोचरीय स्थिति का अशुभ फल दूर करने के लिए और शुभ फल पाने के लिए बड़े बुजुर्गों और साधु संतों की सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त करें। वीरवार को केसर या हल्दी का तिलक करें और धर्म स्थान जाएं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।